सिविल स्कोर एक तीन अंक की संख्या है, ये 300 से 900 तक होती है और यह स्कोर किसी पर्सन की लोन लेने की योग्यता को दर्शाती है। जब भी कोई पर्सन नए लोन या नए क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो लोन देने वाला या क्रेडिट कार्ड देने वाला संस्थान आवेदक को लोन देने की जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए उसके क्रेडिट स्कोर का जांच करता है। तो क्रेडिट स्कोर कैसे चेक किया जाता है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से पैसा बाजार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ से हम ओपन पे क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। चलिए इसको हम स्किप कर देते हैं यहाँ से। और साइन इन करना होगा आपको सबसे पहले। तो साइन इन करने के लिए आप चाहे तो गूगल अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर के थ्रू भी साइन इन कर सकते हैं। चलिए हम मोबाइल नंबर के थ्रू साइन इन करेंगे। तो सेकेंड वाला ऑप्शन को चूज़ करेंगे और यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप नोटिफिकेशन चाहिए तो इसको ऑन रखेंगे और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी को ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस तरह पैन कार्ड में आपका फुल नेम दिया हुआ है उस तरह यहाँ अपना नेम फिल करेंगे और यहाँ अपना ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। ये टर्म को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज़ करेंगे कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। आप सैलराइड है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन है। तो चलिए हम सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस इसको सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ बिजनेस टाइप में आप अपना बिजनेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप प्रोप्राइटरशिप हैं या पार्टनरशिप में या प्राइवेट लिमिटेड में कोई काम करते हैं। चलिए हम यहाँ से प्रोप्राइटर इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से ग्रोस एनुअल टर्नओवर फिल करेंगे कि आपका सालाना इनकम कितना हो जाता है। जो आईटीआर में आप फिल करते हैं वो आईटीआर के हिसाब से यहाँ फिल कर देंगे। अगर आप आईटीआर फिल नहीं करते हैं तो एक आईटीआर के हिसाब से फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ व्यू रिपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप अपना पूरा डिटेल्स को फिल करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने पैनल में लॉगिन हो जाएंगे। आपके यहाँ होम पेज आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस वाला क्रेडिट रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा, जो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं 853 है, जो एक्सीलेंट है। और यहाँ हम हाई मार्क में देखेंगे, इस पर क्लिक करके तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं 611 है, जो फेयर है। अभी तक अच्छा नहीं हुआ है तो कम से कम अच्छा करने के लिए इसको कम से कम 750 होना चाहिए, तब जाके इसमें लोन के लिए एलिजिबल हम हो सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। 750 में आपका गुड माना जाएगा और 750 आते आते ये ग्रीन हो जाएगा। तो अभी मेरा येलो में है तो ये अभी इसको हम छोड़ेंगे, इसको जब तक और भी मुझे क्रेडिट स्कोर बनवाना है। उसके बाद आप यहाँ इक्विफैक्स में आएंगे तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, जो कि मेरा यहाँ पर ग्रीन में है तो 705 है, जो गुड है। ये मेरा काम चल जाएगा लेकिन मेरा हाई मार्क में अभी काम नहीं चलेगा, तो मुझे अभी हाई मार्क में और भी अपना क्रेडिट स्कोर को बनवाना है। उसके बाद आपके स्कोर के हिसाब से आपका यहाँ पे लोन या क्रेडिट कार्ड आपको शो करेगा। देखिए जैसे कि ये वाला क्रेडिट कार्ड मेरे ऑफर में अभी है, इसको हम ले सकते हैं। ये FD बेस है, जितना आप FD करेंगे उतना ही का आपको लिमिट मिलेगा और साथ में आपको 7% का FD रिटर्न भी मिलेगा। तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है तो ये पैसा बाजार SBM बैंक का क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं, जो FD बेस है। जितने का आप FD करेंगे उतना ही लिमिट आपका क्रेडिट कार्ड का हो जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप 2,00,000 का FD करते हैं तो आपका 2,00,000 का क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा और उसमें से जितना भी पैसा आप FD करते हैं उसका 7% इंटरेस्ट के हिसाब से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि कार्ड को यहां से सेटअप करना तो यहां सेटअप कार्ड इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कार्ड यहां पे भी शो करेगा। अगर आप कार्ड नहीं लिए हैं तो यहां आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां से अपना अप्लाई कर सकते हैं। सो आप इसी तरह से क्रेडिट स्कोर की जाँच कर सकते हैं पैसा बाजार एप्लीकेशन से बिल्कुल फ्री में। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।